स्वागत है आपका फिर से संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में। हम लोग पढ़ रहे थे गामा फंक्शन और एक्सरसाइज के कुछ सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। जो सवाल एक्सरसाइज के हो चुके हैं आप लोगों को, उससे रिलेटेड जो भी सवाल है उदाहरण के, वो सॉल्व करना। तो आज हम प्रश्नावली के कुछ आगे के सवाल लेंगे। 7 क्वेश्चन तक शायद हमारे सवाल हो चुके थे, अब आगे हम बढ़ते हैं। लगभग 12 सवाल इसमें दिए हुए हैं और हर पार्ट में 2 सवाल हैं, यानी 24 सवाल इसमें दिए हैं। हमारे लगभग 14 सवाल हो चुके हैं। आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं प्रश्नावली का 8वां सवाल। 8 के कभी पार्ट ले लेते हैं। मैं कभी ए पार्ट ले रहा हूँ, कभी बी पार्ट ले रहा हूँ, तो जो पार्ट बच रहा है उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। 8 का बी पार्ट मैंने ले लिया और लिमिट हमारे पास आ रही है 0 to 1 x^4। आगे सवाल है हमारा 1 - x^2 / 5/dx। एक बार सवाल को हम मैच कराते हैं। लिमिट है 0 to 1 x^4, 1 - x^2 / 5/2 dx। 4 1 - जी बिल्कुल सही बता रहा है सवाल। लिमिट हमें दिया हुआ है 0 to 1। अब देखिए, अगर ऐसे हम इस सवाल को पढ़ते हैं तो पता नहीं कौन सा तरीका हम इसमें अप्लाई करें, लेकिन क्योंकि अभी पता है कि हम गामा फंक्शन वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें गामा फंक्शन बनेगा ही बनेगा, तो यहां पर बनना है तो साइन और कॉस के टर्म्स होने चाहिए, लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए, तब गामा फंक्शन अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात, यहां पर साइन और कॉस का टर्म्स होना चाहिए, तो यहाँ x की जगह साइन आना चाहिए, इस टर्म्स की जगह कॉस होना चाहिए। तो हम यही मान लें कि x की जगह पर साइन x, कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। वैसे विशेष तरीका जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था सेट करने का, वो ये होता था, अगर टर्म्स आपके पास a² - x² है, इस टाइप का टर्म्स है, तो आप वहां पर पुट कीजिए x = या तो a sin θ या पुट कीजिए a cos θ। दोनों में से आप कुछ भी पुट करेंगे आपका काम चल जाएगा। अगर अगर प्लस में आपके पास है, अगर ये टर्म्स प्लस में दिया हुआ है, तो x = आप पुट करें 8 tan, या पुट करें cos। ठीक है, ये हमने काम पढ़ा था 12th क्लास पढ़ा। तो अभी आपके पास जो टर्म्स है, इन दोनों में से प्लस तो है, माइनस वाला टर्म्स, और लगभग लगभग देखिए ऐसा टर्म्स है, मैं 1² बना देता हूं, तो ये a² - x² बनना, a² - x। तो इसके लिए क्या पुट करते हैं, x = चाहे तो a sin θ पुट कर दें, चाहे x = a cos θ पुट कर दें। ठीक है, तो हम इन फॉर्मूला का यूज करते हैं और इन सवाल को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ही जगह पर हमारे पास तो 1 लिखा हुआ है, एक ही जगह पर हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम यहाँ एक ही जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पुट सॉल्व कर रहे हैं हम, पुट x = हम क्या पुट कर रहे हैं, sin θ, ओनली sin θ। ये x = हमने थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं, x = हमने क्या पुट कर दिया, sin θ। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dx आएगा, sin θ का क्या आएगा, cos θ आएगा, और d θ आएगा। ये हमने वैल्यू पुट कर दी और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम यहां फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, लिमिट बाद में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले x^4, तो sin θ की पावर कितना बन गया हमारे पास, 4। ये साइन की पावर कितना बन गया हमारे पास, 4। अंदर 1 - x² था, तो हमारे पास क्या बनेगा, sin² θ, और उस पे घात कितनी चल रही है, 5 / 4, और ये कितना चल रहा है, dx की जगह पर हमारा क्या आया है, cos θ और d θ हमारे पास है। हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें,
लिमिट अभी हमने नहीं लगाई है, लिमिट अभी हम वापस चेक करेंगे क्या लिमिट बन रही है, एक साथ लगा देंगे। साइन की पावर 4 थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर कितना लिखा हुआ है 5/2, तो ये मैंने 5/2 लिख दी। आगे चलता है आपके पास कॉस थीटा और डी थीटा, तो ये कॉस थीटा डी थीटा भी मैंने लिख दिया। अब क्या बन गया, इसको हटा रहे हैं, हमने जो लगी थी यहाँ से कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। लिमिट अभी नहीं बदली है, लिमिट अभी बदलते हैं। ये हमारा इंटीग्रल पहले साइन और कॉस के टर्म्स बना रहे हैं, साइन की पावर तो 4 थीटा है हमारे पास निकल कर, ये साइन की पावर 4 थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया, कॉस की पावर देखते हैं क्या बन रहा है। तो देखो 2 से ये 2 कट रहा है, तो कॉस की पावर कितना आएगा 5 आएगा, और 1 कॉस गया तो मिलकर कॉस की पावर कितनी हो गई 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा हमारे पास। ये देखिए गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गए, बस लिमिट और देखना है। तो यहाँ देखिए लिमिट क्या, मैं लिमिट को चेंज करना होता क्या माना था आपने, एक्स इक्वल टू साइन थीटा माना, पहले 0 पुट करो यहाँ 0, तो साइन में 0 कितनी वैल्यू होती, साइन में 0 0 की वैल्यू 0 होती। अब 1 पुट कर देते हैं, यहाँ 1 ले देता हूँ, तो साइन में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 2, 90 डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 2 बन गया। यहाँ पर हमने लिमिट चेंज, यहाँ पर हम लिमिट चेंज करना 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 टू 0, ये लिमिट चेंज है। लिमिट चेंज होकर ये हमारे पास गामा फंक्शन बन गया। अब ये वही सवाल बन गए जो हम प्रश्नावली के पहले दूसरे तीसरे चौथे सवाल करते हैं, इसको गामा फंक्शन जो सॉल्व कर देते हैं, क्या बनेंगे, गामा 4 + 1 = 6 + 1 / 2 γ 4 + 6 + 2 / ठीक है 4 + 1 / 2 6 + 1 / 2 इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये क्या बन गया हमारा 5/2 7/2 6 4 10 10 और 2 12 12 में 2 का भाग लेंगे तो गामा 6। इसको एक बार फिर से चेक कर लें, 4 + 1/2 अपना 5/2 हो गया, 6 + 1/2 7/2 हो गया, 2 6 4 10 12 का भाग लगा तो हमारे पास गामा 6 आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, इधर तो कुछ नहीं था, इधर तो सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, हमें जो पुट करना है केवल हमने वो पुट किया जैसे 12th क्लास में सवालों को सॉल्व करते थे। अब इसको हटा देते हैं, नीचे 2 6 को खोलेंगे तो क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कैलकुलेशन हमने पूरा कर दिया, खोल दिया गामा फंक्शन। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, कोई चीज कट रही है पार्ट को, क्या कट रहा है देखिए, 5 से 5 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ठीक है, और तो कोई नंबर शायद नहीं कट रहा है, तो ऊपर हमारे पास क्या आता है 3 आता है, रूट पाई का रूट पाई में बना दिए पाई आ गया, अपॉन में 2 × 2 = 4 4 × 8 = 8 × 16 16 × 32 32 × 64 64 × 128 अरे ये 4 लिए 128 का 4 में गुणा कर दो 8 × 4 = 32 11 500 ये हमारे पास आया 500 का। हमारा फाइनल आंसर निकल के क्या आया 3π/500। तो सवाल काफी सिंपल है, आपको केवल सवाल को सेट करना है और हम इसका आंसर मैच करा लेते हैं। ये प्रश्नावली के साथ 8वां सवाल लिया था, 8वें का बी हमने लिया था,
आठवीं की बी का आंसर आ रहा है 3π/500π, बिल्कुल सही आंसर अपना आया है। तो आप देख रहे हैं कि गामा फंक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सवाल वही है, आपको सेट करना है इसको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे के सवाल देते हैं। ये आठवां सवाल आपका हो चुका है, नवा सवाल हम देते हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे एक्सरसाइज करा रहा हूँ, लगभग सभी सवाल करा रहा हूँ एक्सरसाइज के, एक एक पार्ट जो मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए, बाकी आप उनको सॉल्व करें या ना करें, लेकिन उदाहरण के सवालों को आपको सॉल्व करना है। बिना उदाहरण के सवालों के काम नहीं चलेगा, एक्सरसाइज के थोड़े चाहे कम लगाने हैं सवाल, जो मैं करा रहा हूँ वही कर लें, लेकिन उदाहरण के किसी भी सवाल को आपको नहीं छोड़ना है। एग्जाम में उदाहरण से 90-95% सवाल उदाहरण से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज के सवाल केवल प्रैक्टिस के लिए। तो नवे नंबर के सवाल में ले लेते हैं, हम कुछ भी सवाल ले लेते हैं, नवे नंबर में ए ले लेते हैं, ये सवाल है हमारे पास, नवे का ए ले रहा हूँ मैं, लिमिट जीरो टू, लिमिट है जीरो टू ए, एक्स टू दी पावर फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। अब मैं थोड़ा स्पीड से सवाल को करूंगा, तो ये फिर देखिए माइनस वाला टर्म्स हो गया, और इस वाले टर्म्स के लिए हम क्या मान लेते हैं, पुट, क्या पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, ए साइन थीटा का कॉस थीटा एंड डी, ये हमने पुट कर दिया, सभी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट बाद में देखेंगे क्या आएगा, ए टू दी पावर फोर एंड साइन टू दी पावर फोर थीटा, एक्स की जगह पुट कर दिया, अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये डी एक्स और चल रहा है इसमें सवाल में, डी एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना है, ए कॉस थीटा डी थीटा, ये मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस पर पुट कर दिया। अभी तक तो सवाल में कुछ नहीं है, जो माना था केवल उसी को सेट किया है, ठीक है। अब लिमिट यहीं पर चेंज कर देते हैं, देखिए पहले जीरो रखते हैं, जीरो रखोगे तो ए जीरो में जाके जीरो हो जाएगा, साइन में जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब ए रख देते हैं, यहाँ नीचे मैंने एक्स की जगह पर ए रख दिया, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा वन, साइन में वन कितना डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई टू, नब्बे की पाई बाई टू, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या थी गामा फंक्शन में, कि लिमिट जीरो टू पाई बाई टू होनी चाहिए, तो लिमिट जीरो टू पाई बाई टू तो हो चुकी, अब इसको सेट कर दें केवल, है ना। तो पहले हम ए वाले टर्म्स में जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये मैंने लिमिट टू जीरो टू पाई बाई टू, अच्छा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ए, तो देखिए यहाँ ए का घात कितनी है चार, यहाँ कितनी है एक, तो मिलकर पाँच तो हो गए, यानी ए पाँच बार को हमें मिल गया, चार बार ले रहा है, एक बार लेगा पाँच। अब इसमें देखते हैं, इन दोनों में से मान लीजिए मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाला, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट के बाहर ए कॉमन, ए बचेगा हमारे पास, है ना, ए स्क्वायर हम कॉमन निकालें तो अंडर रूट के बाहर ए बचेगा, तो चार ए तो यहाँ पर, एक यहाँ पर था पांच ए, और एक इसमें से निकल के आ रहा था, छह ए बन गए, तो ए की पावर हमने सिक्स को सबसे पहले बाहर ले, ए की पावर कितनी होगी छह, तो ये ए की पावर सिक्स को हमने पहले बाहर। अब बात करते हैं साइन की, तो इसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये साइन की पावर कितनी दी आपको, फोर थीटा, अंडर रूट में आपके पास क्या बचा, देखिए अंडर रूट में आपके पास ए हट चुके हैं, एक स्टेप बता देता हूँ मैं, आपके पास बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या चल रहा है आपके पास कॉस थीटा एंड डी थीटा, ये फंक्शन आपके पास बचा है, एक स्टेप और लिख देते हैं, ए टू दी पावर सिक्स जीरो टू पाई बाय टू, यहाँ देखिए साइन की पावर फोर थीटा, साइन की पावर कितनी है फोर, अब यहाँ देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा बचा है, कॉस थीटा मिलकर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या चल रहा है हमारे पास, ये टर्म्स हमारे पास है, ठीक है। इसको अब हम यहाँ देते हैं और सॉल्व करते हैं, ये टर्म्स हमारे पास आया है ए की पावर सिक्स इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर,
साइन की पावर कितनी आएगी हमारे पास, 4 थीटा आई है, 4 थीटा लिख दिया हमने, और कॉस की पावर कितनी आएगी, 2 थीटा जोड़ 2 थीटा लिख दिया। अब इसको हम गामा फंक्शन से सॉल्व, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक ही पावर 4 प्लस 1 बटा 2, 2 प्लस 1 बटा 2, 2, 4 प्लस 2 प्लस 2 बटा 2, तो क्या बन गया देंगे, एक ही पावर से गुणा, 4 और 1 की गामा 5 बटा 2 बन गया, 2 और 1 3 बटा 2 बन गया, अपॉन 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। इसका कैलकुलेशन में इधर कर देता हूँ, इसको मिटा दें, क्या आएगा हमारे पास, 1 की पावर 6 आ गया, 5 बटा 2 को हम खोल रहे हैं तो क्या बनेगा, 3 बटा 2, 1 बटा 2 अंडर रूट पाई, 3 बटा 2 को खोलोगे तो क्या आएगा, 1 बटा 2 अंडर रूट पाई, नीचे वाले को खोलोगे गामा 4 को क्या बनेगा, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है, कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो गया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो ऊपर तो ए की पावर 6 बचा केवल, और अंडर रूट पाई का अंडर रूट पाई होना तो पाई बचा, तो ऊपर तो पाई ए 6 आ गया, नीचे 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32 आ गया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस आंसर को चेक करते हैं हम, ये हमने किया था 9th का ए सवाल, हमने किया था 9th का ए, उसको हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर दे रहा है, 9th का ए हमारा 256 आ रहा है नीचे, तो शायद हमारा कैलकुलेशन हो सकता है कहीं गड़बड़ है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया या उत्तर माला में गड़बड़ है, इसको चेक करना पड़ेगा, ऊपर का टर्म्स तो ठीक आ रहा है, नीचे 256 आ रहा है, 256 कैसे आ सकता है, बाकी को गुणा करने पे आ रहा है, इधर 16 32, नहीं 256 तो नहीं आ रहा, एक बार फिर से हम टैली कैसे करें, हमने टाइप किया उस टर्म्स को, तो कैसे चेक करें, अब तो कॉन्फिडेंस रखें कि हमने सही किया, आप चेक तो कर नहीं सकते हैं वापस, थोड़ा एक जल्दबाजी में मैं थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ कि ये कौन सा सवाल था हमारा, हमने किया था 90 का ए नंबर का था सवाल हमारा, है ना, 90 के ए को एक बार मैं यहाँ पर टैली कर लेता हूँ, केवल ये टर्म्स बना के देख लेते हैं, ये कैलकुलेशन तो हमारे पास हो ही रखा है, हमने इसमें पुट किया था x टू दी पावर 4 यानी a टू दी पावर, a टू दी पावर का इशू तो है ही नहीं, a टू दी पावर पाई a टू दी पावर 6 तो सही आ रहा है, तो a की पावर को हम छोड़ देते हैं, इसको हटा देंगे, हमारे पास बनता था x की जगह पर हमने पुट किया था नए सवाल में sin थीटा, तो sin की पावर हमारे पास 4 थीटा बची थी, और अंडर रूट में आ रहा था हमारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ऐसा टर्म्स बना था, और sin थीटा का बना था cos थीटा d थीटा, ऐसा टर्म्स बना था, तो a स्क्वायर से तो हमें लेना है यानी कि a का तो हमने सॉल्यूशन कर दिया था, sin की वैल्यू ले रहे थे, sin की वैल्यू 4 आ रही थी, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर से ये रूट हट गया था तो cos थीटा बचा था, cos थीटा और ये cos थीटा मिल के हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है, यानी कि यही टर्म्स आया था, यही टर्म्स हमारे पास आ, तो यहाँ तो कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, इसको तो हटाओ, अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई, चेक करो गामा फंक्शन m प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4 प्लस 1 अपॉन 2 बिल्कुल सही है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 ये भी बिल्कुल सही है, 2 गामा m यानी 4 2 6 है और 2 ये सही है, बिल्कुल a टू दी पावर 6 ये भी सही है, 4 और 1 5 बटा 2 बिल्कुल सही है, 2 और 1 3 बटा 2 बिल्कुल सही है, 2 हो गए, इसको देखें 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 का अगर 2 में भाग देते हैं, 8 में अगर 2 का भाग देते हैं कितना आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल सही है, इसका कैलकुलेशन देखें, a की पावर 6 5 बटा 2 को खोलते हैं तो क्या आएगा, 3 बटा 2 1 बटा 2 अंडर रूट पाई, ये भी बिल्कुल सही है, 3 बटा 2 को खोलते हैं तो 1 बटा 2 अंडर रूट पाई, ये भी सही, 2
चार को करते हैं तो तीन गुणा दो गुणा एक, ठीक है। तीन से तीन को हमने कैंसिल कर दिया, एक की पावर सिक्स बचा, फाइव बचा, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी पच्चीस, कुल अपना आंसर बिल्कुल सही है। यानी उत्तर माला में आप लोग सुधार कर लें, वहां 256 नहीं, वहां पर कितना आएगा पाई ए सिक्स अपॉन 30, ये आंसर तो मैच हो ही आया अपना, यहाँ सुधार कर लें 32 कर लें 256 के लिए, ठीक है। तो ये 90 नंबर का सवाल हो गया, 90 का बी नंबर का आपको करके देखना है, आंसर मैच नहीं हो तो फिर बताना, ठीक है। अब हम करना है 10वां सवाल, 10वीं का ले लेते हैं कोई सवाल, दवा फंक्शन अप्लाई करोगे चार चार दोनों को घात क्या बनेगा
चार प्लस पांच रूट बटे दो, ये भी बनेगा पांच बटा, है ना। नीचे क्या बनेगा, चार चार आठ एम प्लस वन, चार चार दो बटा, ये हमने गामा फंक्शन इसमें अप्लाई कर दिया। अब हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले दो से दो कैंसिल हो रहा है, इसको तो पहले काट देते हैं। पांच बटा दो को बोलोगे तो क्या निकलेगा, तीन बटा दो, एक बटा दो अंडर रूट पाई, और इस पांच बटा दो को खोलोगे तो ये भी तीन बटा दो, एक बटा दो और अंडर रूट पाई बटे। यह थोड़ी जगह कम हो गई है इसलिए मैं इस हिस्से को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इस हिस्से को मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कम मिटा देता हूँ। इसको खोलोगे तो चार चार आठ, आठ और तो दस, दस में दो का भाग लगेगा तो कितना आएगा गामा पांच, ठीक है। चार चार आठ दो दस, दो का भाग लगेगा तो पांच, पांच कैसे बनेगा, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा ये। अब इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई चीज कट गई तो काट देते हैं। देखिए तीन से एक तीन कट रहा है, काट दिया, ऊपर क्या बचा तीन पाई बचा, ये तीन बचा हुआ है, रूट पाई करके पाई कर, इनका कैलकुलेशन करो। तो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस का चार गुणा करा तो एक सौ अट्ठाईस, क्या चार दूनी आठ दूनी सोलह बत्तीस चौंसठ एक सौ अट्ठाईस, ये हमें एक सौ अट्ठाईस, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस आंसर को मैच करा लेते हैं, ये दसवें का ये हम लोग का सवाल है तो चेक करते हैं गड़बड़ तो नहीं है। दसवें का ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, थ्री पाई बटे एक सौ अट्ठाईस, तो ये सवाल हो चुका। इसमें हमने क्या करा, केवल वैल्यू पुट की थी, ज्ञान के बाद गामा फंक्शन होता है इसमें, तो आपको केवल ट्वेल्थ का इतना पार्ट याद रखना है कि हम क्या पुट करते हैं, जो पुट करते हैं बस उससे कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ जो पुट कर रहे हैं वो चीज से ही पुट करें। यहाँ पर आप कॉस भी पुट कर सकते थे, यहाँ वन माइनस कॉस थीटा बन जाता, और वन माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाता जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा था दो तीन सवाल पहले, वन माइनस कॉस थीटा कन्वर्ट करके हाफ एंगल फॉर्मूला बनाया, उससे भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। और स्क्वायर आप, मैंने अचानक स्क्वायर कैसे ले लिया, यहाँ से ले लिया, मेरे को पता है कि 1 माइनस साइन थीटा तो कुछ नहीं होता, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर ले लिया। ये चीजें ट्वेल्थ क्लास की हैं, तो वहाँ आप ट्वेल्थ क्लास के या तो एक बार फॉर्मूला को वापस पढ़ें, कैलकुलेशन करके देखें, और जिनको आता है वो आगे सवाल करें। उदाहरण के सवाल आपको, मैं फिर से बोलता हूँ, उदाहरण के सवाल आपको सबसे ज्यादा, उदाहरण के सवालों के बगैर काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। उदाहरण के जैसे कुछ सवाल ऐसे ही मिल जाएंगे आपको उदाहरण के जो लगभग इसी से रिलेटेड होंगे, बिल्कुल पूरे के पूरे इसी से रिलेटेड रहेंगे, कुछ अलग से आपको नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण छह लिखा, देखिए गामा फंक्शन से भी उसको सॉल्व किया है, द्विपद प्रमेय से भी उसको सॉल्व किया, तो आपको द्विपद प्रमेय से सॉल्व नहीं करना, आपको गामा फंक्शन से उसको सॉल्व, ठीक है। लिखा जाता है कि गामा द्विपद प्रमेय लगाएं तो ही आपको द्विपद प्रमेय लगानी है, बाकी उदाहरण में आपके साथ पांच या छह सवाल है, काफी इजी सवाल दिए हुए हैं, है ना। अब हमारे पास प्रश्नावली के लगभग चार सवाल रह गए, इन चारों सवालों को आज का पीरियड तो हो चुका, इन चार सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे, और आगे का फंक्शन भी हम चालू कर देंगे, बीटा फंक्शन भी हम पढ़ना चालू कर देंगे उसी वीडियो में, ठीक है। ये चार सवाल आपके रह गए हैं, बाकी के जो सवाल रह गए एक पार्ट में लगभग सबका कंप्लीट करवाया है, दूसरा पार्ट आपको कंप्लीट करना है। उदाहरण के सवाल आपको नहीं छोड़ना, एक भी सवाल आपको उदाहरण के नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपका एक सवाल इसमें से गामा फंक्शन में एग्जाम में देखने को मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये आते ही आते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में ठीक है इतना काफी है, अगले पीरियड में हम इससे आगे का करेंगे, कुछ सवाल जो बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, और अगला फंक्शन पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। ये हमारे कौन सा फंक्शन था, गामा फंक्शन। पहले गामा फंक्शन आएगा जो हम पढ़ चुके, फिर बीटा फंक्शन आएगा, फिर गामा और बीटा दोनों मिक्स होकर आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।